मैं आपका दोस्त संजीव तोमर आज फिर एक नई वीडियो के साथ मैं आया हूँ आपके पास। आज जो मैं फ्लैट आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये हमारा 3 BHK का फ्लैट है। और इस अगर मैं लोकेशन की बात करूँ तो द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन से बिल्कुल 50 मीटर की दूरी भी नहीं है, मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल साथ वाली गली में ये फ्लैट लगता है और गेटेड गली है। जो हमारा ये प्लॉट है, प्लॉट की अगर मैं डायमेंशन की बात करूँ तो 30 बाई 30 का हमारा ये प्लॉट है, एल टाइप कॉर्नर का सिंगल यूनिट है, एक फ्लोर पे एक ही फ्लैट है। और इस बिल्डिंग की अगर मैं बात करूँ तो इस बिल्डिंग में मैं एक बार इसका पूरा ओवरव्यू आपको दिखाना चाहता हूँ। बिल्डिंग में वेंटिलेशन की प्रॉब्लम कहीं पे भी नहीं है, इनफैक्ट ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम हर जगह विंडो है। तो मैं एक बार आपको इसका पैटर्न समझाता हूँ, कैमरा मैन से मैं एक बार दिखाना चाहूँगा कि ये हमारा सामने एंट्रेंस से आप देख रहे हैं। एंट्री करते ही एक हमारा राइट में बेडरूम आ जाता है जो कि ये मास्टर बेडरूम है, और साथ ही ये पूरा लिविंग एरिया आ जाता है आप देख सकते हैं। और ये सामने पूरी ओपन किचन आ जाती है, किचन के साथ ही ये हमारा सेकंड बेडरूम का एंट्रेंस आ जाती है। और इस तरफ काफ़ी खूबसूरत हमने डिज़ाइन करा हुआ है, पूरा वुडन का डिज़ाइन है ये, और ये LCD पैनल आ जाता है। जस्ट ड्राइंग रूम में ही ये एक सामने कॉमन वॉशरूम आ जाता है, कॉमन वॉशरूम के साथ ये हमारा थर्ड बेडरूम आ जाता है। फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स हर बार की तरह पहले मैं आपको फ्रंट एलिवेशन दिखाता हूँ, बाहर की रोड दिखाता हूँ और फिर आते हैं हम अपने फ्लैट पे। फ्रेंड्स, आप सामने देख रहे हैं मेन रोड, जो कि यहाँ से 50 मीटर की दूरी भी नहीं है, मेट्रो लाइन आपको बिल्कुल सामने दिख रही है। यहाँ से राइट लेते ही जस्ट द्वारका मोड़ आ जाता है, और ये हमारी बिल्डिंग की एंट्रेंस रोड है जो कि गेटेड रोड है 25 फुट की। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम अपने फ्लैट की ओर। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी ये हमारी पूरी 25 फुट की रोड है और काफ़ी साफ़ सुथरी रोड है, सीवर वीवर सब कुछ डले हुए हैं, यहाँ पे सारी नालियाँ लगभग कवर्ड हैं। और साथ ही मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमारा कॉर्नर फ्लैट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉर्नर फ्लैट है, तो साथ वाली गली जो है 12 फुट की गली ये लगती है। और एक बार मैं आपको पूरा फ्रंट एलिवेशन दिखाना चाहूँगा, कैमरा मैन से कहूँगा एक बार फ्रंट एलिवेशन पूरा दिखाएं आपको। काफ़ी स्पेशियस है, अगर बालकनी की मैं बात करूँ तो इसकी पूरी 25 फुट की बालकनी है, और एक बालकनी है, इसमें दो बालकनी है, दोनों बालकनी है इसमें, एक 15 फुट की और एक 25 फुट की है। और चलते हैं फ्रेंड्स अपने पार्किंग की ओर। साथ ही मैं दिखाना चाहूँगा इसमें इसमें हमने ऑडियो वीडियो सिस्टम लगाया हुआ है, कैमरे भी लगे हुए हैं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है आप अपने फ्लैट से देख सकते हैं। और साथ ही ये पार्किंग में अभी हम अपने एंट्री कर चुके हैं। पार्किंग की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी स्पेशियस है पार्किंग, साथ ही हमने सारी बाउंड्रीज पे टाइल्स लगाई हुई हैं 3.5 फुट। और इस तरफ हमने काफ़ी दिखाना चाहूँगा कैमरा मैन से, काफ़ी खूबसूरत एंट्रेंस पे ही हमने सीनरी लगाई हुई है जो कि काफ़ी प्यारी लग रही है। और साथ ही इस तरफ अभी मीटर लगने हैं हमारे BACS वाले, मीटर सारे अप्लाई हो गए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा विद इन वीक सारे मीटर लगे हुए होंगे। और इस तरफ मैं आपको दिखाना चाहूँगा पानी के कनेक्शन, ये स्टेयर्स आ जाती है, स्टेयर के जस्ट सामने ये लिफ्ट आ जाती है, लिफ्ट 4 पैसेंजर है, बिल्डिंग में चालू है लिफ्ट। और जैसे स्टेज के नीचे हमने जल बोर्ड के कनेक्शन बनाए हैं, इसमें 4 ही फ्लैट हैं, 4 मोटर लगनी है बस, बाकी सारा कंप्लीट है काम। और साथ ही हमने जीने में भी सारी SS की रेलिंग लगाई हुई है, आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी रेलिंग है। और जीने की भी अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी कम्फर्ट है जीना। चलते हैं फ्रेंड हम अपने फ्लैट की ओर, एक बार मैं आपको लिफ्ट भी दिखाना चाहूँगा। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख रहे हो लिफ्ट हमारी आ चुकी है, चलते हैं फ्रेंड्स मैं एक बार लिफ्ट भी आपको दिखाना चाहूँगा। ये हमारी 4 पैसेंजर की लिफ्ट है, अभी हम 3rd फ्लोर पे जा रहे हैं क्योंकि जो अभी हमने रेडी किया 3rd फ्लोर डेमो वो तैयार हो चुका है। वैसे जो इसमें अवेलेबल ऑप्शंस हैं वो अपर और फर्स्ट फ्लोर ही अवेलेबल है। लिफ्ट भी अगर आप देखा जाए, हम 2 लोग खड़े हैं फिर भी काफ़ी स्पेस है, 4 लोग कम्फर्टली खड़े हो सकते हैं लिफ्ट में। 1 ईयर्स की लिफ्ट की गारंटी है, कोई भी दिक्कत होती है तो आप इसके कस्टमर केयर नंबर पे कॉल करके बुला सकते हैं उसको। तो फ्रेंड्स हम अभी अपने एंट्रेंस पे खड़े हैं फ्लैट के, जैसे कि आप ये देख रहे हैं ये लिफ्ट आ जाती है, लिफ्ट के बाद भी काफ़ी स्पेस बचता है पैसेज का। और साथ ही हमने अगर आप दरवाजे की मैं बात करूँ तो आप देख रहे हैं 8 फुट का पूरा हमने दरवाज़ा लगाया हुआ है, पूरा लकड़ी का दरवाज़ा है, पॉलिश इसकी हो चुकी है, साथ ही हमने खूबसूरत सा हैंडल लॉक लगाया हुआ है इसमें, काफ़ी हैवी है। और अभी इसमें वुडन का डोर भी लगना है जो कि आपको लगा हुआ मिलेगा। तो फ्रेंड्स काफ़ी खूबसूरत फ्लैट है, अगर मैं इस फ्लैट की जितनी तारीफ़ करूं उतनी कम है। अगर आप फ्लैट की वेंटिलेशन भी देखें तो
प्रॉपर वेंटिलेशन है, दिन में आपको लाइट जलाने की फ्लैट में जरूरत नहीं है। अगर मैं ड्राइंग रूम की भी साइज़ की बात करूँ तो ड्राइंग रूम आपने देखे होंगे 3 BHK फ्लैट में, इसका ऊपर आके कम से कम 125 गज का स्पेस निकल के आता है। ड्राइंग भी अगर देखिए आप, काफ़ी ही खुला ड्राइंग है। इस तरफ अगर आप सोफ़ा भी लगाते हैं, इसमें आप 10 सीटर सोफ़ा लगता है, इसमें 10 सीटर एल टाइप सोफ़ा लगाने के बाद सेंटर टेबल प्लस आपका 4 सीटर डाइनिंग भी आ जाता है। साथ ही हमने पूरी फॉल सीलिंग करी हुई है। फॉल सीलिंग में चाहूँगा एक बार आपको दिखाने का, फॉल सीलिंग के साथ ही हमने बीच में काफ़ी खूबसूरत सा MDF का डिज़ाइन दिया हुआ है। और साथ ही इस तरफ ये हमने एक वुडन का डिज़ाइनिंग पूरी वॉल तैयार करी है। साथ ही इसमें आप LCD लगा सकते हो 50 इंची तक का। साथ ही नीचे ये हमने इन्वर्टर के लिए सेंक्शन बनाया हुआ है, बिजली के पॉइंट भी हमने बनाया हुआ है इसमें, पावर स्विच। अगर मैं चाहूँगा एक बार कैमरामैन से आपको दिखाएं, इन्वर्टर का ये कनेक्शन है, इन्वर्टर आप इसके अंदर रख सकते हैं। साथ ही एक स्टोरेज हमने यहाँ पे भी दी हुई है, छोटा मोटा आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स इसमें रख सकते हैं। काफ़ी प्यारा डिज़ाइन है, जब आप इसको साइट विजिट करेंगे देखेंगे काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन है ये। साथ ही हमने एंट्री पे जो ये वॉल आ रही है, एक बार मैं चाहूँगा कैमरामैन से इधर दिखाएं आपको, इस तरफ भी हमने एंट्रेंस पे भी, जैसे कि आप एंट्री करते हैं तो एक लुक लाइक कुछ न्यू मिले आपको, तो ये पूरा हमने वुडन का तैयार करा हुआ पूरी फिनिशिंग पॉलिश के साथ। साथ ही ड्राइंग रूम में हमने ये विंडो दी हुई है। विंडो की भी अगर बात करूँ तो डबल विंडो है, इसमें जाली वाले पल्ले भी हैं, ग्रिल भी है एंड ग्लास भी है। साथ ही यहाँ विंडो इसी आपका लग जाता है 1.5 टन का, ये हमने पावर का कनेक्शन बनाया हुआ है और काफ़ी खूबसूरत हमने इसमें पेंट करा हुआ है, आप देख सकते हैं ये काफ़ी खूबसूरत पेंट है डिज़ाइनिंग वाला। और ये वॉशेबल है, कभी आप इसको चाहें तो इसको साफ भी कर सकते हैं, जैसे हाथ वाथ लग जाते हैं, गंदे हो जाते हैं, तो ये वॉशेबल पेंट है, आप इसको वॉश कर सकते हैं। साथ ही हमारी किचन आ जाती है लेफ्ट में, मैं चाहूँगा कैमरामैन से एक बार आपको किचन दिखाएं। किचन की भी अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो फ्रेंड्स किचन का काफ़ी अच्छा साइज़ है, 10 बाई 6 का किचन है ये हमारा। और स्टोरेज की अगर मैं बात करूँ तो काफ़ी अच्छा स्टोरेज है किचन का, अभी चिमनी लगनी इसमें बाकी है। और किचन भी फ्रंट में है, आप सामने देख सकते हैं, सामने भी पूरी प्रॉपर विंडो आ रही है इसमें। मैं चाहूँगा एक बार पूरी किचन आपको अच्छे से दिखाएं। काफ़ी स्पेशियस किचन है, किचन में आपको स्टोरेज की दिक्कत नहीं होगी। साथ ही हमने यहाँ पे माइक्रोवेव का भी पॉइंट्स बनाया हुआ है, अगर माइक्रोवेव रखना चाहें आप यहाँ रख सकते हैं, गैस आपका यहाँ चूल्हा यहाँ पे आ जाता है। साथ ही आप मिक्सी वगैरह कुछ अगर जैसे यूज़ करते हैं तो मिक्सी वगैरह आप यहाँ चला सकते हैं। ये हमने यहाँ सिंक दिया हुआ है, टैब सारे लगे हुए हैं, यहाँ पे RO लग जाएगा, RO इसमें लगा हुआ मिलेगा आपको। साथ ही ये विंडो आ जाती है किचन में, किचन में आपको विंडो बहुत ही कम फ्लैटों में देखने को मिलती है। और साथ ही बॉक्सेस अगर मैं दिखाना चाहूँ, आप बॉक्स में भी अंदर आप देखते हैं, अंदर में भी हमने पूरा सनमाइका लगाया हुआ काफ़ी फिनिशिंग के साथ। साथ ही नीचे सारे स्टोरेज आ जाते हैं, आपको किचन में स्टोरेज की दिक्कत नहीं आएगी, काफ़ी बड़ी किचन है, काफ़ी स्टोरेज बनाया हुआ है, आप इसमें बड़े से बड़ा सामान इजीली रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे कि आपने हमारी किचन तो पूरी देख ली है, तो फ्रेंड्स चलते हैं, पहले मैं आपको फ्लैट शुरू करते हैं हम, पहले सबसे पहले मैं आपको मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ, आइए। तो फ्रेंड्स अभी हम खड़े हैं अपने मास्टर बेडरूम में। अगर मैं मास्टर बेडरूम की साइज़ की बात करूं तो ये मास्टर बेडरूम का साइज़ हमारा 11 बाई 11 का साइज़ है। इसमें अगर आप बेड भी लगाते हैं तो भी आपको काफ़ी स्पेस मिल जाता है। बेड लगाने के बाद भी अगर जैसे आप 6 बाई 6 का बेड लगाते हैं फिर भी 2 फुट 3 फुट जगह इधर बचती है, 3 फुट जगह इधर बचती है। साथ ही सामने वाली वॉल पर मैं दिखाना चाहूँगा, इस वॉल पर भी हमने पूरा वुडन का डिज़ाइन दिया हुआ है। कैमरामैन से मैं चाहूँगा एक बार आपको अच्छे से पूरी एक बार वॉल दिखाएं आपको। और इस वॉल पे ही आप अपना LCD पैनल LCD आप लगा सकते हो। और साथ ही इसमें अलमारी भी आ जाती है, अलमारी का स्पेस भी मिलता है आपको मास्टर बेडरूम में, काफ़ी स्पेशियस है। ये हमने लॉकर भी बनाया हुआ है, अभी इसकी चाबी है नहीं मेरे पास, नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ। और ऊपर भी स्टोरेज है, कोई भी बड़ा बड़ा सामान आप अंदर अलमारी में रख सकते हैं, काफ़ी स्पेशियस है अलमारी। और साथ ही इस तरफ अटैच वॉशरूम आ जाता है, मैं एक बार चाहूँगा आपको पूरा वॉशरूम दिखाएं। वॉशरूम में शाफ्ट भी है, सारी एसेसरीज वॉशरूम की लगी हुई है, सैनिटरी की सारी फिटिंग्स लगी हुई हैं। वॉल टू वॉल हमने टाइल्स लगाई हुई हैं बाथरूम में भी, वो सारी ब्रांडेड एसेसरीज हैं इसमें।
वन ईयर्स की वारंटी है, कोई भी दिक्कत आती है आप इसको चेंज करवा सकते हैं। साथ ही मास्टर बेडरूम में बालकनी भी है, मैं बालकनी दिखाना चाहूँगा आपको, काफ़ी स्पेशियस बालकनी है दोनों। बालकनी का साइज़ भी 15x3 का बालकनी का साइज़ है, आप देख सकते हैं। मैं चाहूँगा एक बार कैमरा मैन से पूरी बालकनी दिखाएं आपको। फ्लैट में प्रॉपर सनलाइट है, कहीं पे भी आपको लाइट की ज़रूरत नहीं है इस फ्लैट में। दिन में तो लाइट जलाने की ज़रूरत ही नहीं है, चाहे वो बेडरूम हो, ड्राइंग हो, किचन हो, बाथरूम हो, हर जगह वेंटिलेशन है। साथ ही हमने बालकनी में पूरी स्टील की रेलिंग लगाई हुई है, एसएस की रेलिंग है ये, इसमें कोई जंग नहीं लगता। साथ ही हमने उस तरफ टैब्स भी बनाए हुए हैं। और फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूँ फ्रेंड्स, काफ़ी खूबसूरत फॉल सीलिंग्स हैं। अभी इसमें कोब लाइट लगनी है जो कि आपको लगी हुई मिलेगी, एलईडी लाइट्स हमने पहले लगा रखी है इसमें। और चलते हैं फ्रेंड्स अपने सेकेंड बेडरूम की ओर। आ जाइए, तो फ्रेंड्स अभी हम अपने सेकंड बेडरूम में आ चुके हैं। सेकंड बेडरूम की भी अगर मैं साइज़ की बात करूं तो इसका साइज़ 12x11 का साइज़ है सेकंड बेडरूम का। तो फ्रेंड्स अभी हम अपने सेकंड बेडरूम में, अगर मैं सेकंड बेडरूम की साइज़ की बात करूं तो ये हमारा 11x11 का साइज़ है बेडरूम का। और साथ ही सेम हमने इस वॉल पर भी वुडन का पूरा डिज़ाइन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। एलसीडी का पैनल भी बनाया हुआ है, इसमें आप अपना एलसीडी लगा सकते हैं 40 इंची तक का। साथ ही पूरी फॉल सीलिंग है। और मैं अगर दरवाजे की बात करूं तो लकड़ी का काम इस फ्लैट में बहुत ही ज़्यादा और बहुत ही सुंदर किया हुआ है। साथ ही आप देखें पूरा 8 फुट का ये डोर है, प्योर लकड़ी है, कोई बोर्ड नहीं है, और पूरी फिनिशिंग के साथ, पॉलिश के साथ ये लगाया हुआ है। और साथ ही विंडो आप देख सकते हैं हर कमरे में, इस कमरे में भी प्रॉपर विंडो है, और पल्ले भी हमने डबल लगा रखे हैं। साथ ही एसी आप इसमें अपना डेटन का एसी लगा सकते हो, पावर पॉइंट वगैरह सारा बनाया हुआ है। साथ ही इस तरफ अलमारी आ जाती है, अलमारी इसमें तीनों कमरों में अलमारियां हैं, काफ़ी अच्छा स्पेस है अलमारी का, ऊपर भी आप अपना इसमें बड़े से बड़ा सामान ऊपर भी रख सकते हैं। और साथ ही फ्रेंड्स इस तरफ हमारी बालकनी आ जाती है, मैं एक बार पूरी बालकनी आपको दिखाना चाहूँगा। बालकनी की बात करें तो ये हमारी 25 फुट लंबी बालकनी है। साथ ही इधर आप वॉशिंग एरिया बैठ आपको उस, अब दोनों तरफ वॉशिंग के कनेक्शन हमने बनाए हुए हैं, टैप्स और पावर बनाए हुए हैं। साथ ही एसएस की पूरी रेलिंग लगी हुई है और सारी टाइल्स हमने लगाई हुई है, जो कि आप देख रहे हैं काफ़ी प्यारी लुक दे रही है। और अगर मैं मेन रोड की बात करूँ तो मैं चाहूँगा एक बार कैमरा मैन से आपको सामने, बिल्कुल यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर मेन रोड आ जाती है और मेट्रो है द्वारका मोड़ मेट्रो स्टेशन, 100 मीटर की दूरी भी नहीं है यहाँ से मेट्रो। और साथ ही मैंने पहले भी आपको दिखाया कि गेटेड गली है, मेन रोड से उतरते ही दूसरी गली है। बालकनी भी दोनों कमरों से अटैच है। तो फ्रेंड्स बहुत ही सुंदर फ्लैट है और काफ़ी स्पेशियस है, चाहे ड्राइंग हो, बेडरूम हो, किचन हो, हर जगह प्रॉपर स्पेस है, जो कि एक 3 बेडरूम फ्लैट जिसको बोलते हैं वो 3 बेडरूम फ्लैट है। तो चलते हैं फ्रेंड्स हम अपने 3rd बेडरूम की ओर। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने 3rd बेडरूम में। 3rd बेडरूम की अगर हम साइज़ की बात करें, इसका साइज़ भी आपका 11x11 का साइज़ है। साथ ही इसमें भी बालकनी के लिए डोर आ जाती है, वेंटिलेशन के लिए पूरी विंडो आ जाती है, आप एसी यहाँ पे अपना डेटन का एसी लगा सकते हैं। साथ ही काफ़ी स्पेशियस अलमारी भी काफ़ी स्पेशियस है, आप देख सकते हैं। साथ ही हमने ड्रॉर्स बनाए हुए हैं अलमारी में, ऊपर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, काफ़ी स्पेस है अलमारी का। अलमारी के अंदर भी हमने पूरा इसमें सनमाइका, बाहर से भी पूरा सनमाइका, और काफ़ी फिनिशिंग के साथ आपको सारा काम इसमें मिलता है। और साथ ही इस वॉल पे हमने वुडन का डिज़ाइन इस वॉल पे भी दिया हुआ है, तीनों कमरों में वुडन के डिज़ाइन है, आप देख सकते हैं। बीच में यहाँ पर आप LCD पैनल लगा सकते हैं। और इसमें भी हमने आपको मैं दिखाना चाहूँगा, अगर हम डोर की बात करें, इसमें भी मैंने पूरा 8 फुट का ये भी डोर है हमारा, साथ में हैंडल लॉक भी आ जाता है,
काफ़ी अच्छी क्वालिटी का और काफ़ी सुंदर। साथ ही स्विचेस की अगर मैं बात करूँ तो सारे ब्रांडेड स्विचेस हैं। और फॉल सीलिंग की अगर मैं बात करूँ तो फॉल सीलिंग भी, अभी इसमें फ़ैन लगना है, फ़ैन अभी लगा नहीं है। मैं चाहूँगा एक बार कैमरामैन से पूरी फॉल सीलिंग दिखाएं आपको। लेटेस्ट डिज़ाइन है फॉल सीलिंग का भी, काफ़ी अच्छी फॉल सीलिंग है। तो फ्रेंड्स काफ़ी खूबसूरत पूरा फ्लैट्स है ये हमारा, तो प्लीज़ आइए एक बार साइट विजिट करिए। साथ ही मैं आपको एक बार कॉमन वॉशरूम रह गया था, कॉमन वॉशरूम मैं आपको और दिखाता हूँ। ये हमारा ड्राइंग के बिल्कुल सामने कॉमन वॉशरूम आ जाता है। कॉमन वॉशरूम में भी हमने वॉल टू वॉल सारी टाइल्स लगाई हुई है, सैनिटरी की सारी फिटिंग्स कंप्लीट हैं, सारी ब्रांडेड फिटिंग्स हैं, शावर मिक्सर वगैरह सब कुछ लगा हुआ है इसमें। एक गीज़र अभी और लगना है इसमें, गीज़र 1-2 डेज में गीज़र भी इसमें इंस्टॉल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स जैसा कि पूरा फ्लैट मैंने आपको दिखाया, उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स फ्लैट पसंद आया होगा आपको, और ज़रूर पसंद आएगा। काफ़ी सुंदर फ्लैट है और कॉर्नर फ्लैट है। कॉर्नर फ्लैट बहुत ही कम सिंगल यूनिट में मिलता है। सिंगल यूनिट का 100 स्क्वायर यार्ड ऑन पेपर है। कवर एरिया इसका, सुपर बिल्डअप एरिया जिसको हम बोलते हैं, सुपर बिल्डअप एरिया इसका 125 स्क्वायर यार्ड के आसपास बैठेगा, क्योंकि बिल्कुल चकोर में ये प्लॉट है 30x30 का। बालकनी भी आपको मैंने दिखाई, हर कमरे में इसमें बालकनी है। वेंटिलेशन, अभी दिन का टाइम है, लाइट भी हमने कोई ज़्यादा नहीं जला रखी, एक आधी लाइट जल रही है, फिर भी आप देख सकते हैं काफ़ी वेंटिलेशन है फ्लैट में। तो फ्रेंड्स आप आना चाहें तो हम द्वारका मोड़ पर ही है, दिल्ली होम्स के नाम से, जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था। कभी भी आप आ सकते हैं, 7 डेज हमारा ऑफिस ओपन है। और मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो तो आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बिल्डिंग हमारी LIC से भी अप्रूव्ड है, क्योंकि सिंगल यूनिट है। इसमें अगर आप लोन करवाते हैं तो 6.90 पे LIC फाइनेंस करती है। अभी इसमें दो फ्लैट हमारे पास अवेलेबल हैं, एक अपर ग्राउंड और एक फर्स्ट फ्लोर। तो फ्रेंड्स दो अभी अवेलेबल हैं, लेट ना करते हुए मैं इस फ्लैट का प्राइस आपको और बता देता हूँ। प्राइस की अगर हम बात करें तो बहुत ही प्राइस 100 स्क्वायर यार्ड के हिसाब से अगर हम देखें और लोकेशन के हिसाब से देखें तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस है। 58 लाख रुपए का ये फ्लैट आपको मिलता है, अपर ग्राउंड या फर्स्ट, कोई भी आप ले सकते हैं दोनों में से, जिसमें 80% तक आपका बैंक लोन फंडिंग करता है LIC। तो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह मैं आपके लिए हर तरह के फ्लैट्स एक नई नई लोकेशन पर लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सपोर्ट। धन्यवाद।